करिकुलम उनकी तो बिल्कुल ऐसे समझ लें एंड डेट्स चल रही हैं, क्योंकि अप्रैल में क्लासेस स्टार्ट होनी है ना, यही मार्च का महीना है आपके पास। और अगर आप लोग बाहर कहीं बैठे हुए आपने आना है तो भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर वो आपको गो अहेड देते हैं तो फिर आप रजिस्ट्रेशन फी पे करके तो अपनी सीट कंफर्म करा। दोपहर के दो हो रहे हैं और बच्चे जो हैं दे आर इन स्कूल, और अभी सारी मॉर्निंग से रूटीन अपनी मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ऐसा है कि मुझे काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं और इनबॉक्स में मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस रिसीव हुए हैं मदर्स के, जो कि जो लोग नए मूव होना चाह रहे हैं यूएई में या फिर ऑलरेडी मूव हो चुके हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर स्कूल्स। और काफ़ी सारे लोग हैं जिनको सेशंस की नहीं समझ आ रही है कि व्हेन द सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट एंड व्हेन द सेशन इज गोइंग टू क्लोज। टुडेज टॉपिक इज स्पीक अबाउट स्कूल्स, और उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझे इतने सारे मैसेजेस भेजे हैं। और प्रॉपर्टी के भी आप लोगों के मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं। मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि हस्बैंड चूंकि काम पे चले जाते हैं आजकल, वो बिजी हैं, तो मेरे लिए इट्स नॉट पॉसिबल टू गो ऑल द वे बाय माई सेल्फ और जाके विजिट वगैरह करूँ। तो मेरा अपना जो इसका ड्राइविंग लाइसेंस है दैट इज़ इन प्रोसेस, अब देखें वो कब हो जाता है कम्प्लीट इंशाल्लाह। तो जैसे ही कम्प्लीट हो जाएगा तो आई विल स्टार्ट विजिटिंग प्रॉपर्टीज एज वेल, और मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे वो भी ब्लॉग शेयर करूँगी ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। और काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई हैं कि हमें बता दें, मैं पुराने ब्लॉग्स में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ अबाउट चीप एरियाज़, अबाउट अफोर्डेबल एरियाज़ ऑफ यूएई दुबई एंड इवन ग्रॉसरीज का बताया हुआ है, स्कूल्स का बताया हुआ है, बट आई विल रिपीट द टॉपिक्स ताकि आप लोग जो कि नए आने वाले लोग हैं उनको ईजिली समझ आ जाए। सो गाइज, आई एम कुरतुल एन एंड if you are new to my channel to jaldi jaldi channel ko like aur subscribe kare, and if you are my returning viewers welcome back। zuhr ka waqt hua hai, namaz padhi hai, namaz padhne ke baad ji abhi jana hai maine kitchen mein, I'll prepare the meal for my kids, aur balki kuch main prepare kar chuki hu aur abhi kuch prepare karna hai, aur uske baad bacche aayenge aur thodi der mein main aap logon ke sath tamam information share karti hu ke पाकिस्तानी करिकुलम, इंडियन और ब्रिटिश करिकुलम, इनके सेशंस की स्टार्टिंग डेट्स क्या हैं, एंडिंग डेट्स क्या हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, एंड फीस का भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लूँगी। सो कीप वॉचिंग पाकिस्तानी मूव अब्रॉड। थैंक यू। सच अ हैंडसम गाय, काफ़ी दिन से मैंने आपको व्लॉग में एलू बाबा नहीं दिखाया एंड ही इज स्लीपिंग। और एलू बाबा की आदत है, ये नॉर्मली जी हमारे बेडरूम में आ जाते हैं और जब ये वहाँ आ जाते हैं तो फिर ये बड़े खुश होकर सोते हैं वहाँ पे, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि ही शुड नॉट कम टू माय बेडरूम, क्योंकि कैट्स का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है और फिर वो क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता है। खैर, भी मैं जाती हूँ किचन में एंड वी हैव टू प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट और सॉरी लंच, एंड हेयर इज दाल, और दाल के साथ जी ये वाले कबाब प्रिपेयर करने हैं। ये 4 कबाब्स पड़े हुए, ये कबाब जो है ये मैंने खुद नहीं बनाए हुए, हम लोग जहाँ पे, अच्छा मैं आप लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जब आप जाते हैं मिन्स बनवाते हैं तो वहाँ पे आप अगर उसको बोलेंगे, वहाँ जो लोग कीमा बना रहे होते हैं मशीनों में, तो आप उनको बता दें कि भैया हमें सीख कबाब बना के तो इस तरह स्टिक्स के ऊपर लगा दें, तो वो आपको लगा देते हैं। उसके लिए वो 20-30 दिरहम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, मतलब अगर ज़्यादा कीमा होगा आपका, ज़्यादा गोश्त होगा तो वो ज़्यादा बना दें, ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे, कम होगा तो कम चार्ज करेंगे। हस्बैंड का चूँकि अमीर का काम है, वो मार्केट जाते हैं तो फिर वहाँ से उन्होंने बनवा के ले आए जाते हैं। बारबेक्यू वगैरह करने में आसानी होती है, और इस तरह लंच बॉक्स में भी यूज़ हो जाते हैं, स्टिक्स निकाली, लेकिन अगर आपकी फ्रोज़न है, इसको डिफ्रॉस्ट करने के लिए आप रात को फ्रीज़र से निकाल के तो ओवन वगैरह में वैसे ही रख दें, या फिर किसी मतलब ऐसी सेफ़ जगह पर रख दें जहाँ पर सेफ रहे, और या फिर नीचे फ्रिज में उतार के रख दें। और मैंने तो सुबह, मेरे पास इलेक्ट्रिकल ग्रिलर है, उसमें मैंने लगाया तो 5 मिनट्स में बन गई थी, और फिर मैंने इनको दे दिया। तो दिस इज़ इजी रेसिपी, और इसको आप रमज़ान की रेसिपीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं कि आप इस तरह बनवा के बॉक्सेस रख दें और अफ्तारी के वक्त यूज़ कर लें। तो बच्चों के आने से पहले पहले ये भी मैं कबाब बना दूंगी, और उसके बाद बात करते हैं अबाउट स्कूल्स के बारे में। और हाँ, मैंने आप लोगों के साथ एक और जो चीज़ शेयर करनी है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी रमज़ान शरीफ आने वाला है, मेरी सिस्टर जितनी भी हैं रमज़ान की ग्रॉसरी करनी है तो प्लीज़ प्लीज़ अभी से कर लें, जो कि छोटे बच्चों वाली है, क्योंकि अभी से इतनी ग्रॉसरी स्टोर्स में गहमा गहमी हो गई है, इतना रश है, इतना यकीन करें बच्चे इतने रो रहे होते हैं ना बेचारे, क्योंकि बच्चे जो है वो इतने ज़्यादा रश में और इतने ज़्यादा लोगों में ना घबरा जाते हैं कि मतलब है क्या चारों तरफ। तो इस वजह से अभी से ही जाके अपनी ग्रॉसरी वगैरह कंप्लीट कर लें, क्योंकि आगे और ज़्यादा रश बढ़ने वाला है, और ज़्यादा परेशानी होगी, ऑफर्स हुई, डील्स हुई जो रमज़ान की लग चुकी हुई हैं,
और डिफरेंट जितने भी यहाँ पे कारफोर का बताती हूँ, वीवा बताती हूँ, नेस्टो है और यूनियन कूप, इन सब में लगी हुई हैं ऑफर्स। तो जाके अभी से आप अच्छा है कर ले, नहीं तो बाद में बहुत ही हैसल होने वाली है। और जब रमज़ान शरीफ शुरू हो जाता है तो रोज़ों में तो वैसे ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जी ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल ग्रिल है, अभी इसका टेम्परेचर देखें, इसके टेम्परेचर 140 है, 170 है, 200 है, 230 है। अभी मैंने इसको 230 पे लगा दिया है ताकि ये जल्दी से गर्म हो जाए, और ये फ़ौरन ही गर्म होना शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी से ये गर्म होती है। और जैसे ही गर्म होगी ना तो ये मैं सीखें इसके ऊपर रख दूँगी और फिर मैं इनको कवर कर दूँगी, तो ये फिर जल्दी से बन जाएंगी। और जैसे कि मैंने आप इससे पहले ज़िक्र किया, ये देखें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने रात को ही नीचे उतार के रख दी थी, फ्रीज़र में थी, तो फिर मैंने कहा चलो डिफ्रॉस्ट हो गई। जब ये डिफ्रॉस्ट हो गई, सुबह मैंने लंच के लिए भी बच्चों को यही दी हैं, उनके बंस में लगा के, सीख कबाब शौक से खाते हैं। वैसे चाहें तो एंड पे कोयले का धुआं दे देना चाहिए, मैंने नहीं दिया कोयले का धुआं। ये देखें ऐसे ये टूटने लगी है जी। अच्छा आराम आराम से चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बचत हो गई, ये आ गई जी। ये देखें मज़े की सीजनिंग साउंड आ रही है, ये आ गई। अच्छा इसमें ना उन्होंने फैट काफ़ी सारा लगा के दिया है जिसकी वजह से इतने जूसी और मज़े के बनते हैं और स्पाइसी भी नहीं है। तो आप लोग भी इसी तरह अपनी चॉइस पे बनवा के फ्रीज़र में रख दें, रमज़ान शरीफ में भी यूज़ हो जाएंगे और कोई गेस्ट भी आ जाता है तो ये तरह बहुत अच्छे रहते हैं। और आप सीख कबाब हांडी, सीख कबाब रोल, सीख कबाब रोल पराठा, मतलब यू कैन यूज़ देम इन एवरी वे। इसको ना कवर कर दूँगी इसकी, ये जी ये मैंने इसको कवर कर दिया है। और मैं इसका टेम्परेचर अभी थोड़ा सा ये 200 पे कर दूँगी, अब चूँकि ये गर्म हो चुका है तो ये 200 पे रहे, हाँ पूरा 200 पे कर दिया है मैंने। अब इसको थोड़ी देर बाद फिर मैं खोलूँगी और टर्न करूँगी। आजकल ना मेरी आयरन ने थोड़ा बहुत जवाब दिया हुआ है। आप लोगों में से जो मेरी सिस्टर्स मेरा ब्लॉग देख रही हैं, आप लोग अपने एक्सपीरियंस से इफ़ यू वॉन्ट टू रिकमेंड मी कि कौन सी आयरन सबसे ज़्यादा अच्छी है, थोड़ा सा मशवरा दे दें। ये मैंने ली हुई है फिलिप्स की, ये काम सही करती है लेकिन किसी टाइम पता नहीं क्यों ये काम करना छोड़ देती है। कल भी मैं गई थी देखने के लिए आयरन, लेकिन मैं नहीं पसंद करके आई। आप लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइएगा मुझे कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, तो फिर मैं जाके वही वाली आयरन लेके आऊँगी ताकि फिर मेरे से कोई मिस्टेक ना हो जाए। अच्छा जी अभी मैं एक ही मिनट हुआ है, अभी इनकी साइड टर्न करूँगी। ये देखिए स्टार ऑफ द वीक, गुड जॉब, गुड जॉब मानो, गुड जॉब, वेरी गुड, वेरी गुड, ये गुड जॉब मानो, गुड जॉब कर रहे थे और फिर मेरे आ गए बच्चे स्कूल से और फिर मैंने जी उनको दिया खाना वाना और लंच कराया है और उसके बाद अभी मैं फ्री हुई हूँ। तो फिर मैंने कहा जो व्लॉग है उसको एंड करने से पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। गाइस अभी इस जो मेरी बातें हैं इनको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। एडमिशन ओपन हो चुके हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तानी करिकुलम है, अभी उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, लास्ट टर्म के सेशन क्लोज होने लगा है, 2024 का जो सेशन है वो अभी क्लोज होने लगा है और अप्रैल से होने लगे हैं नई क्लासेस स्टार्ट होने लगी हैं। तो अभी जी एग्ज़ाम होंगे और साथ साथ एडमिशन शुरू हो जाएंगे, बल्कि अभी से हो रहे हैं। मुझे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि जी पाकिस्तानी और इंडियन स्कूल के एडमिशन क्या अभी हो रहे हैं। जी अभी ही हो रहे हैं, यही वक्त है और उसके बाद अप्रैल से नई क्लासें शुरू हो जाएंगी। और जो ब्रिटिश करिकुलम है उसका भी एक सेशन रहता, एक टर्म रहती है जो कि है 3-4 मंथ्स की, और जी जून में वो टर्म क्लोज होगी और सितंबर में फिर नया सेशन स्टार्ट होगा। लेकिन ब्रिटिश करिकुलम वाले भी अभी एडमिशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और फिर वो देखेंगे आपके बच्चों के सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, असेस करेंगे। अगर उन्हें कहा गो अहेड दे दिया कि जी अच्छा आप असेसमेंट के लिए आ जाएं, तो उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होगी। यही टाइम है जी एडमिशन करवाने का, बी फोकस्ड, फिर टाइम निकल गया ना तो फिर एडमिशन आपका जो रिक्वायर्ड स्कूल है उसमें मुश्किल से होगा। फिर जो बच्चे कुछ लेफ्ट ओवर एडमिशन होते हैं स्कूल होते हैं, फिर वहां पे आपको एडमिशन मिलता है और वो भी बामुश्किल ही मिलता है। तो इस वजह से अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें, चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, करिकुलम उनकी तो बिल्कुल ऐसे समझ लें एंड डेट्स चल रही हैं क्योंकि अप्रैल में क्लासेस स्टार्ट होनी है ना, यही मार्च का महीना है आपके पास। और अगर आप लोग बाहर कहीं बैठे हुए आपने आना है तो भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
अगर वो आपको गो अहेड देते हैं तो फिर आप रजिस्ट्रेशन फी पे करके तो अपनी सीट कंफर्म करा लीजिएगा। और अगर ब्रिटिश करिकुलम है तो उसके लिए आपके पास टाइम है, लेकिन वो भी जो आपका फेवरेट स्कूल है या आपने जो स्कूल अपनी टू डू इसमें लिस्ट में डाला हुआ है तो उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें तो फिर आपको ताकि आसानी रहे। और फीस जी मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स में बताया है कि मिनिमम पाकिस्तानी या इंडियन जो करिकुलम है उसकी 5000 भी है और जो ब्रिटिश करिकुलम है वही सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है यहाँ पे, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देख सकते हैं, मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में सारा डॉक्यूमेंट्स का भी बताया हुआ है। मेरे दो ब्लॉग्स ऐसे हैं, मैं उनका लिंक डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, आपने अगर देखना हो तो वो डिस्क्रिप्शन खोल के तो वो ब्लॉग्स देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और कहाँ कहाँ से आप लोगों ने अटेस्टेशन करवानी है। और अटेस्टेशन लाजमी करा के आइएगा, बल्कि मेरे से ये भी किसी ने पूछा है कि जी जो लास्ट रिजल्ट कार्ड होता है वो लाना जरूरी है, वही ही जरूरी है, वही एडमिशन की बेस बनेगा, अगर आपके पास वो नहीं होगा तो आपका एडमिशन नहीं हो सकेगा। एंड इट मस्ट बी अटेस्टेड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और HEC से, और अटेस्टेशन होनी चाहिए चाहे आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, चेक कर लें कि आपकी अटेस्टेशन किस तरह से वेरीफाइड होती है। तो जी ये था, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो जी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। तो आज का ब्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ और मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। यस सेलू बाबा।